नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम 26 से 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिव्यूजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल एवं स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्ष कुमार को सम्मानित किया गया है। एग्रिस टेक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा? तो सभी जिलों में सर्वेक्षण होगा। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां तक लाइट मेट्रो चलेंगी? रायपुर से दुर्ग भिलाई तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? 23 अगस्त को किया जाएगा। कमरछठ कब मनाया जाता है? भादो मास में मनाया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ में कहां खुलेगी? तो कोरबा जिले के कटघोरा में खुलेगी। माफ करिएगा दोस्तों, यह वीडियो 27 अगस्त को अपलोड होनी थी, बट किसी कारण वह 27 तारीख की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो उसमें हमने 28 अगस्त के करंट अफेयर्स को जोड़कर 28 तारीख को यह वीडियो अपलोड की है। तो वीडियो की देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदर सिंह उबोवेजा को नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व में बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रह चुके सेनावृत्त न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल श्री रामेन डेका ने 27 अगस्त 2024 को श्री इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई है। इस पद पर पहले टीपी शर्मा कार्यरत थे, जिनका कार्यकाल सितंबर 2023 में समाप्त हो गया था, तब से यह पद रिक्त था। ठीक है दोस्तों, तो जो इंदर सिंह उबोवेजा है ये टीपी शर्मा की जगह लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार पैक्स के विस्तार के लिए कितने नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करेगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार नए केंद्रीय बैंक की स्थापना करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में प्राथमिक कृषि साख समिति का शुभारंभ भी किया। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है और निकट भविष्य में राज्य में पैक्स के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, अब पैक्स का विस्तार करके 4 नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की रहने वाली नित्या पांडे अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कोंडागांव जिले की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की रहने वाली नित्या पांडे अंटार्कटिका में रिसर्च कर रही है। नित्या पांडे 16 साइंटिस्ट की सदस्य टीम में शामिल है और इस टीम के द्वारा सोलर सिस्टम पर रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नित्या पांडे कहाँ की निवासी है? छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की है। 16 साइंटिस्ट की सदस्य टीम में शामिल है जिनके द्वारा सोलर सिस्टम पर रिसर्च किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अंटार्कटिका में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात कवि एवं कलाकार को 72 सदस्य से अलंकृत किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विनोद कुमार शुक्ल को अलंकृत किया है। साहित्य अकादमी ने हिंदी के प्रख्यात कवि एवं कथाकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को अपनी 72 सदस्यता से अलंकृत किया है। श्री विनोद कुमार शुक्ल एशिया में इस सम्मान को पाने वाले पहले साहित्यकार हैं। श्री विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासी हैं। अकादमी के सर्वोच्च सम्मान की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी, लेकिन
स्वास्थ्य कारणों से श्री विनोद कुमार शुक्ल को यह सम्मान नहीं दिया जा सका। भारत में साहित्य अकादमी का यह सर्वोच्च सम्मान है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1 जनवरी 1937 को जन्मे विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी रचनात्मक यात्रा की शुरुआत कविता संग्रह लगभग जय हिंद से की थी। और ध्यान रखिए दोस्तों, उन्हें पेन अमेरिका ने व्लादिमीर नाकोवोक अवार्ड फॉर अचीवमेंट इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से सम्मानित किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4000 साल पुरानी गुफा की खोज की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोरबा में 4000 साल पुरानी गुफा की खोज की गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम दूधी टांगर में 4000 साल पुरानी गुफा की खोज की गई है। इसमें 45 से अधिक शैल चित्र मौजूद है जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है। इन चित्रों में हिरण, सांभर, स्वान, बकरी, तेंदुआ, सियार के अलावा पद चिन्ह और मानवकृति के अलावा ज्यामिति चित्र शामिल है। इस गुफा की खोज जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक श्री हरि सिंह छत्री ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से की है। यह गुफा ताम्र पाषाण युग की है। इसमें 25 चित्रित शैलाश्रयों के अलावा अचित्रित शैलाश्रयों की खोज शामिल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पाषाण काल के उपकरण भी पूर्व में मिले हैं जिन्हें जिला पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। कोरबा जिले में खोज की गई यह तीसरी गुफा है। इससे पहले इसी प्रकार की गुफा अरेतला के जंगल में मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो कोरबा में इस तरह की कितनी गुफाएं हैं? तो ये तीसरी गुफा है, तो कुल 3 गुफाएं हैं। ठीक है, इससे पहले कहां मिली थी? अरेतला के जंगल में मिली थी। यह गुफा जो है ना, ये ताम्रपाषाण युग की है। ठीक है, और ये जो गुफा है ये 4000 साल पुराना है जो कोरबा जिले के ग्राम दूधी टांगर में मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल को कौन सा अवार्ड मिला है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए खनिज संसाधन विभाग की ओर से तैयार खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। गौरतलब है कि खनिज ऑनलाइन पोर्टल 21 जून 2017 से संचालित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित हरिमरका जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारायणपुर जिले में स्थित है। हरिमरका जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में स्थित है। यह जलप्रपात पल्लाकशा मूरविस्माड चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में उदम क्रांति योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।